पहली बात तो ये कि ईश्वर की जगह कोई नहीं ले सकता, हम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नुमाइंदे हैं, जो उन्हीं की दया से या उन्हीं के इशारे से हम कोई काम कर पाते हैं। हम वहां पे उस दिन भी अमरनाथ यात्रा से लौट रहे थे और प्रभु के दर्शन के बाद में हमारी फ्लाइट जो थी वो डिले हो गई थी। अब वो क्यों डिले हुई इसका रीजन भगवान ही जानता है। हम लोगों की फ्लाइट दिल्ली से करीबन 2.5 घंटे डिलेट थी, श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर कनेक्टिंग फ्लाइट थी और दिल्ली वाली फ्लाइट 2.5 घंटे डिलेट थी, इसलिए हम वहाँ पे फूड कोर्ट एरिया में अवेलेबल थे उस टाइम। और जो फूड कोर्ट एरिया में जिस स्टॉल पे हम थे उसके पास वाली स्टॉल पे एक वृद्ध सज्जन थे जो कि अचानक से गिर गए और हम उस तरफ भागे। मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे डॉक्टर रमाकांत गोयल, और जब हम वहाँ पहुंचे तो एक डॉक्टर दंपत्ति भी वहीं पे थे, डॉक्टर उमेश बंसल जो कि जयपुर से हैं, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, और उनकी वाइफ डॉक्टर डॉली बंसल। हम चारों लोगों ने मिलकर जब देखा तो वो बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव थे, उनका श्वसन रुक गया था, उनकी धड़कन बिल्कुल बंद हो गई थी, पल्स बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, वो नीला पड़ना शुरू हो गए थे। तो तुरंत ही हमने वहाँ CPR शुरू किया और करीबन 5 मिनट के बाद में उनको थोड़ा सा वो रेस्पॉन्सिव हुए, थोड़ा सा सांस वगैरह स्टार्ट हुई, उनकी पल्स थोड़ी थोड़ी सी महसूस होनी शुरू हो गई थी। हमने CPR कंटिन्यू किया, उनको सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट जो कि डॉली मैम के पास अवेलेबल थी हमने वो दी उनको, और थोड़ी देर में वो थोड़े से स्टेबल हो गए, उनकी पल्स थोड़ी सी बेटर हुई। इसी दौरान जो एयरपोर्ट का स्टाफ था उसको भी कॉल किया गया, एयरपोर्ट का पर्सनल जो स्टाफ था वो वहां पे आना शुरू हो गया, उनके पास में कुछ पल्स ऑक्सीमीटर ग्लूकोमीटर वगैरह थे, तो हमने जब चेक किया तो उनकी पल्स और सैचुरेशन बेटर था। उनका फोन अंकल के पास था जो कि स्क्रीन लॉक था, उसको हमने जब वो रिस्पॉन्सिव हुए तो उसका स्क्रीन लॉक खोला, उनकी वाइफ को फोन किया उन्होंने वहां से, और उनकी वाइफ कहीं और थे, वो जब वहां आए तो उनको लेके एयरपोर्ट पर्सनल वहां से फिर चले गए। CPR कितना जरूरी है, लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए। CPR वो तकनीक है जो कि जब हृदय गति रुक जाती है बिल्कुल, और उसमें आपको क्या एक्चुअली हृदय गति रुकने से क्या होता है कि शरीर के किसी भी अंग को रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है, और जब हमारे दिमाग को रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है तो उसमें इररिवर्सिबल डैमेज चालू हो जाता है।